एक्चुअल में मेरे को नहीं मालूम था कि इतना लीकेज होगा। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, ब्रेक फेल होने के 90% चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक लिक्विड पे काम करता है। एक जगह से भी अगर लिक्विड निकला तो ब्रेकिंग आपकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, मतलब नाके ही बराबर हो जाएगी। और हैंड ब्रेक काम करता है पर उतना काम नहीं करता। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर दुबे, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो डाली थी आपको कि ब्रेक फ्लूड सेंसर का वार्निंग लाइट आ रहा था कि फ्लूड कम हो गया। आज मैं सिलेंडर उसका चेंज करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि अंदर दोनों साइड मेरे दोनों किटकटी हैं तो कितना है, एक में कम है एक में ज़्यादा है, आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, वो वाला लीकेज है जहाँ पे पाइप जा रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखिए, वो लीकेज है हल्का सा, और ये वाला तो फुल लीकेज है, देख रहे हो आप। वो ऊपर भी देखेंगे। अब मेरे को ये बदलना है। अब ये अभी खुल रहा है, रात हो गई तो अब देखते हैं व्हील सिलेंडर, है तो बहुत लीकेज। पेंट किया था तो खड़ गया, अब बहुत ज़्यादा लीक है। जी हाँ, देखा क्या बात है, पूरा भीग गया, सब भीग गया। ये देखो बहुत लीक है। अरे ये कटा था मालूम, मेरे ब्रेक शू बच गए, नहीं तो अगर इनमें जाता तो ये फिर फिसलते। नंबर के बोल्ट हैं, एक ये है और एक इधर पे है, स्कॉर्पियो में चार रहते हैं। ये खोलेंगे बाहर आ जाएगा अपना सिलेंडर। 11 नंबर से ये ब्रेक पाइप है खुली है, अब खुलेगा जो पीछे के 10 नंबर के बोल्ट। ये अपना सिलेंडर बली हो चुका है, अब नया वाला आपको दिखाते हैं। ये और ये दोनों ग्रिलिंग्स का है, तेल भी होगा ग्रिलिंग्स का। और ब्रेक ऑयल .3 ग्रिलिंग्स का पहले आता था, ये दूसरा भेजने लगा स्प्रिंटर। तो ये अपना 750 के हैं, महंगे हैं लेकिन सस्ते होने चाहिए। पीछे से टाइट कर दीजिए, पार्ट नंबर देखना हो तो ये देखिए पार्ट नंबर लिखा है 1679 SE। टाइट हो गया, अब ये वॉश होगा, जब वॉश हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रोसीजर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये दूसरा वाला है, प्रोसीजर सेम है, देखिए क्लीन हो गया। मेरे को इमरजेंसी थी इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब देखिए मैं बहुत बताता हूँ ना, ये देखिए ब्रेक शू यहाँ नहीं घिसता, यहाँ पे घिसता है, और खास कर ये वाला घिसता है इधर नहीं। ये देखिए बिल्कुल नया है, यहाँ पे घिसा हुआ है। तो जब भी ब्रेक आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे घिस गया है तो चेंज कर दीजिए, यहाँ से नहीं मतलब होता, यहाँ से मतलब। मेरी पाइप लीक है यहाँ से आगे वाला पर, ये उस साइड वाला तो हो गया, उसको भी बंद करवा रहा है। दूसरा वाला है, ये भी खराब ही है, थोड़ा कम लीकेज है, पर यह कम लीकेज है। ये ऑलरेडी पता था कि ये कम लीकेज करेगा क्योंकि इसमें किट फिट हो गई थी, उस वाले में धागा लगा के करना पड़ा था इसलिए वो खराब थी, हो गया। ये ठीक ही है पर ये चेंज ऐसे में करना ही है चेंज। ये सिलेंडर कट गया, मतलब जिसके ऊपर वो रिंग दौड़ती है इसके कारण लगता है, वैसे सिलेंडर भी लगता है। ये पोजीशन देख लीजिए इनकी, ये तो बिल्कुल से खराब हो गया है, ये कुछ ठीक है, पर अगर आप देखेंगे इससे क्यों बदला गया। आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि इसके अंदर किट डलती है, किट कब सक्सेसफुल होती है, मैंने दोनों पे नई किट ही डलवाई थी, मुश्किल से 5000 भी गाड़ी नहीं चली है। ये रबर है, ये कभी कभी रबर भी ख़राब हो जाती है। ये देखिए इससे ऑयल निकल रहा है और ये मूव करती है, ये पूरा निकला है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरे तेल बिखर गया, इधर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कट गई है, यहाँ पे अंदर की साइड, तब ये किट काम नहीं करती है। यहाँ पे भी कटिंग देखिए, जब भी
सिलेंडर ना कटा रहे, आपकी किट अगर कटी, जैसे रबर कट गई है और घिसी है हल्का, ये रबर होती है, ये अगर घिसी है तो फिर ये किट काम कर जाती, लेकिन अगर आपका वहीं पर सिलेंडर कटा है तो फिर ये किट काम नहीं करती। तो ये तो काफ़ी अच्छा था, देख रहे थे वैक्यूम भी बना रहा था अच्छा खासा, लेकिन ये वाला टोटली ख़राब था। एक बात और बता दूं, ये आपको किट भी अलग से मिल जाती है, जब भी आपका है ये कभी कभी रबर भी ख़राब हो जाता है, तो रबर भी आप चेंज कर सकते हैं। TVS ग्रिलिंग्स का ये देखिए, हमने जो डलवाया है वो भी TVS ग्रिलिंग्स का ही। तो जब भी आपके सिलेंडर कटेंगे तो बार बार ये प्रॉब्लम आएगी कि आपके में ऑयल लीकेज करेगा, तो इनको डलवाने से अच्छा है कि आप पूरा पूरा ब्लॉक ही डलवा दें। ये आपको 100-150 के आसपास किट मिलती है, और इसका तो रेट मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि 750 का एक सिलेंडर आता है। अब पाइप वो ख़राब है तो उसको मैं चेंज करूँगा, वहाँ पे दिख रही होगी आपको उस लाइन वाली, ये दूसरा। ध्यान से देखिए, ये किनारे पे बिल्कुल पोजीशनिंग पे ये देखिए क्रैक हो गया है, इसलिए ये पाइप से हल्का हल्का लीक कर। पाइप का सब्स्टिट्यूट ये लेके आए हैं, जेनुइन मिली नहीं, रात का वक्त है इसलिए यही लेके आए हैं, 80 रुपये में पड़ी है। हाँ पड़ी है पाइप, पर क्या करें अंधेरा हो गया, नहीं तो जेनुइन लाते, बड़ी है पाइप क्या कर सकते हैं, देखते हैं, नहीं तो 80 रुपये की बाद में भी चेंज करवा दूँगा। और देखिए होल है, उधर से पंप होता है, ये पूरा गया, हल्के हल्के नट खुले हैं तो उनसे कचरा निकल जाएगा, फिर टाइट हो जाएगा। देखिए अब निकला हुआ है, ये जो नुकीला सा है ये वाला, ये निकला हुआ है, इसको अभी ढीला किए हैं, प्रेशर बनाएंगे तब जाके होगा, उसको भी ढीला किया, ये भी ढीला, इससे भी ढीला करें, इसमें ब्लेडिंग बस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सारे टायर लग जाएंगे फिर ब्रेक ब्लेडिंग होगी। ये देखिए ऑयल गिरने लगा, ये देखिए वहाँ से ढीला करके छोड़ देते हैं जिससे ऑयल अपने आप आ जाए, फिर प्रेशर बाद में बनता है, उधर का भी गिरेगा कुछ देर में, वो गिरने लगा शायद, गिरने लगा उधर का भी आपको दिखाता हूँ, देखिए गिरने लगा टाइट, अब प्रेशर लगवाएंगे तब जाके करेंगे। और क्लियर है ये, अब बनावा नहीं ठीक यार है, और और आओ तो का एक दारी आओ, अरे आओ यार, नहीं ठीक हम खोली था कमरा है ना, क्लियर है, ये देखिए हाल कम हुआ है, डाल दिया ब्रेक ऑयल का, मेरे 200 लगे, 0.5 लीटर लगा जिसमें से ब्रेक और क्लच दोनों का काम हो गया, क्लच भी मैंने फ्लश करा के दे दिया वो, तो टोटल मेरा खर्चा आया 1500, 200 का ऑयल 1700, 300 रुपये मैकेनिक चार्ज। मैकेनिक चार्ज हर जगह पे वेरी करता है, आप कहाँ पे किस प्लेस पे हैं किस टाइम पे हैं उन सब पे वेरी करता है, तो मेरा 2000 खर्चा हुआ, पर एक्चुअल में मेरे को नहीं मालूम था कि इतना लीकेज होगा, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, ब्रेक फेल होने के 90% चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक लिक्विड पे काम करता है, एक जगह से भी अगर लिक्विड निकला तो ब्रेकिंग आपकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, मतलब नाके ही बराबर हो जाएगी, और हैंड ब्रेक काम करता है पर उतना काम नहीं करता। तो लाइक सब्सक्राइब अब पे है, कर देंगे तो मनोबल ही बढ़ेगा, जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।